हम हाइड्रोकार्बन चैप्टर में एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे वैसे तो आपको पता है कि एल्केन्स जो हैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है ज़्यादा रिएक्शन नहीं करते इनको पैराफींस भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ देयर इनएक्टिविटी बट स्टिल दे शो सम रिएक्शंस केमिकल रिएक्शन विच वील स्टडी टूडे एज ऑलरेडी आर जनरली इनर्ट Towards acids, bases, oxidizing and reducing agents. However, they undergo the following reactions under certain conditions. इसमें पहले मैं आपको कैटेगरीज बता देती हूँ जैसे मैंने आपको एल्केन की रिएक्शन के बारे में बोला आपके माइंड में क्या आया पेट्रोल का बर्न होना इमेजिन किया आपने पेट्रोल भी एक एल्केन है ना ऑक्टेन नंबर सुना है ना आपने सी एट होते कार्बन के एट और वैसे मिक्सचर होता है एट नाइन बहुत सारे एल्केन्स मिक्सड होते हैं पेट्रोलियम में से तो एक हुआ आपका कम्बशन रिएक्शन कि ये सारे एल्केन्स जो हैं ये कम्बस्टेबल सब्सटेंसेज हैं चाहे वो सीएनजी हो आप पेट्रोल डीजल कैरोसिन वैक्स ये सब कम्बस्टेबल सब्सटेंस है तो एक रिएक्शन तो होगी कम्बशन रिएक्शन फिर दूसरी रिएक्शन हम करा सकते हैं उसकी कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन मतलब कंट्रोल ऑक्सी कम्बशन तो कोई कंट्रोल नहीं है ना उसके ऊपर तो लेकिन कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में आप कुछ कैटेलिस्ट uh, कुछ रेगुलेटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो और कुछ अलग तरह के कंडीशंस हो तो उसको कंट्रोल ऑक्सीडेशन कहते हैं उसमें हमको अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं फिर एक इनकी रिएक्शन होती है कि एल्केन्स एरोमेटाइजेशन भी शो करते हैं उसको रिफॉर्मिंग भी बोलते हैं मतलब वो एरोमेटिक कंपाउंड में बदल जाते हैं ये तो ओपन चेन है ना लॉन्ग चेन कंपाउंडस हैं तो ये क्या करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड्स में चेंज हो जाते हैं तो ये एक स्पेशल काइंड ऑफ रिएक्शन हो गई फिर इनकी एक रिएक्शन होती है पायरोलाइसिस उसमें ये छोटे कंपोनेंट में टूट जाते हैं जब हम इनको हीट करते हैं ना हाई टेम्परेचर पे। तो ये आ, फिर हुआ आपका आइसोमराइजेशन रिएक्शन ये खुद के आइसोमर्स में बदल जाते हैं और फिर है एक आपका सबसे पहला रिएक्शन है सब्सिट्यूशन रिएक्शन जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है आपको कि देखो एडिशन की तो कोई गुंजाइश है ही नहीं इसमें डबल बॉन्ड है ही नहीं सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एक ना एक ग्रुप को हाइड्रोजन को आपको हटा के उसके स्थान पे दूसरा ग्रुप लगाना पड़ता है उसको सब्सिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं तो कौन सा ग्रुप आएगा रिप्लेस्ड बाय हेलोजन नाइट्रोग्रुप एंड सल्फोनिक एसिड ग्रुप उसमें भी जो लोअर मेंबर्स हैं वो नाइट्रोग्रुप और सल्फोनिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं देते सिर्फ हेलोजन के साथ देते हैं और उसके लिए टेम्परेचर चाहिए होता है फाइव से सेवन सेवेंटी और सनलाइट या अल्ट्रा लाइट की प्रेजेंस में एनर्जी चाहिए Uh, उसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है लोअर एल्केन्स तो देते ही नहीं है नाइट्रेशन और सल्फोनेशन रिएक्शन दिस रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन आइटम्स ऑफ एल्केन्स आर नोन एज सब्सिट्यूशन रिएक्शन एज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन इज गिवन बिलो देखो किस तरह से मीथेन जो है क्लोरिन के साथ न्यू अल्ट्रा वॉलेट लाइट की प्रेजेंस में क्लोरोमीथेन और एसिल में चेंज हो गई और धीरे धीरे ये रिएक्शन जो है आगे बढ़ती जाती है और एक एक करके सारे उसके हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस कर देता है क्लोरीन ग्रुप ये देखो क्लोरो ट्राईक्लोरोन बनाए ना इसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं लास्ट में आपका टेट्रा क्लोरोथेन तो इस तरह से ये है सब्सिट्यूशन रिएक्शन बाय एल्केन्स ये आपके सारे बॉइलिंग पॉइंट्स की टेबल बनता है ये जैसे जैसे हैवियर होते जाते हैं ना एल्कें वैसे वैसे उनका बॉयलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है सॉलिड होते जाते हैं ये है आपका इथेन uh, के साथ रिएक्शन वो भी सेम टू सेम बस एक हाइड्रोजन हटेगा तो क्लोरोइथेन बनेगा और डाईक्लोरोथेन बनेगा ट्राईक्लोरोथेन फिर टेटाक्लोरोइथेन इट इज़ फाउंड एट द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्केन्स विद हेलोजन इज एफ टू इज ग्रेटर दैन सी एल टू सी एल टू इज ग्रेटर देन बी आर टू एंड द लीज रिएक्टिव इज आई टू रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइलोजन हाइड्रोजन ऑफ एल्किन्स इज टर्शरी से कम है सेकेंडरी और सेकेंड्री से कम है प्राइमरी ठीक है तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन किस में से हटाना ईजी है टर्शरी में से फ्लोरिनेशन इज टू वॉलेंड टू बी कंट्रोल्ड आयोडिनेशन इज वेरी स्लो एंड अ रिवर्सिबल रिएक्शन इट कैन बी कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक एच आई ओ थ्री और एच एन ओ थ्री ठीक है इसको इनिशिएट करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए आई टू में कन्वर्ट करने के लिए हेलोजिनेशन क्योंकि ही बना बनाए ना वो वापस से रिएक्शन करके आई टू में कन्वर्ट हो जाएगा तो उस उस आई एच आई को यूज़ करके एच आई और थ्री की प्रेजेंस में कराते हैं तो आई टू की सप्लाई होती रहती है और रिएक्शन कंटिन्यू रहती है लोजिन इज सपोज टू प्रोसीड वाई फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग थ्री स्टेप्स नेमली इनिसिएशन प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन इनिसिएशन में जैसे कि आपने देखा कि लाइट की प्रेजेंस में होमोलाइसिस होता है क्लोरिन का होमोलाइसिस का मतलब होता है ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना इनके बीच में वो बिल्कुल इक्वली एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास आ जाएगा और फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे है ना जनरली कैसे होता है कि एक एक, एक एटम के पास दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज जा आ जाता है और दूसरे के पास पॉजिटिव लेकिन इसमें फ्री रेडिकल फॉर्मेशन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं दोनों शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बन गया आपका फ्री रेडिकल अब ये क्या करेगा चेन को कैसे प्रोपोगेट करेगा ये फ्री रेडिकल क्लोरिन ग्रुप अटैक करेगा एक मीथेन के ऊपर और खुद एस में बदल जाएगा उसका हाइड्रोजन से रिएक्शन करके और उसको मिथाइल फ्री रेडिकल में चेंज कर देगा अब ये मिथाइल रेडिकल फिर एक क्लोरीन मॉलिक्यूल को फिर वापस फ्री रेडिकल में चेंज करेगा इस तरह से रिएक्शन प्रोपोगेट होती रहेगी जैसे जैसे क्लोरीन फ्री रेडिकल्स बनते जाएंगे ना वो अटैक करते जाएंगे क्लोरो के ऊपर और आगे से आगे देखो फिर एक और देखिए आपने तरह तरह के कंपाउंड बन रहे फिर आखिर में क्या होगा जब इस तरह से सारे चेंज हो जाएंगे रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में तो टर्मिनेशन हो जाएगा मतलब या तो रिएक्टेंट ही ख़त्म हो जाए या फिर कुछ ऐसे स्टेप्स हो जाए जिससे क्लोरो ये जो फ्री क्लोरीन का फ्री रेडिकल खुद क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके वापस से सी बना दे या जो मिथाइल का फ्री रेडिकल, रेडिकल है वो खुद मिथाइल से रिएक्शन करके फिर इथेन में कन्वर्ट हो जाए ठीक है तो इस तरह से क्या होगा कि ये रिएक्शन एक स्टॉप हो जाएगी है ना तो हमको कुछ अमाउंट में इथेन भी मिलता है इस रिएक्शन के एंड में देखा इथेन कैसे बना मिथाइल रेडिकल ने मिथाइल रेडिकल के ऊपर अटैक किया दूसरे टाइप की रिएक्शन है कम्बशन रिएक्शन जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि एल्केन ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और आर कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द इवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ये देखो मीथेन की बर्निंग हो रही है हमेशा कम्बशन के प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर और लॉट्स ऑफ एनर्जी एंड हीट लाइट एंड हीट ये देखो ये है ब्यूटेन जो आपके घर में गैस बर्न होती है ना वो और इनका जनरल फार्मूला है और कभी कभी इनकम्प्लीट कम्बशन भी होता है एल्केन्स का उससे कारण क्या सूत प्रोड्यूस होता है आपने दिए में देखा होगा ना काला रंग का पदार्थ आ जाता है वो भी काम आ जाता है वो भी इंक बनाने प्रिंटर की इंक बनाने में पिगमेंट बनाने में फिल्टरस बनाने में काम आ जाता है वो सूत कार्बन ब्लैक भी बोलते हैं उसको ये इनकम्प्लीट कम्बेशन हो रहा है कभी कभी गैस के बर्नर में भी इनकम्प्लीट कम्बेशन के कारण ब्लैक डिपॉजिट हो जाता है यह इनकम्प्लीट कम्बन मीथेन का ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है इनकम्प्लीट कम्बेशन में कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है सॉलिड फॉर्म में यह है कंट्रोल ऑक्सीडेशन कंट्रोल ऑक्सीडेशन में देखो फर्स्ट कंडीशन में आपने कॉपर की प्रेजेंस में ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई फाइव ट्वेंटी थ्री कैलविन टेम्परेचर है और प्रेशर है काफ़ी हंड्रेड एटमोसफेरिक तो आपको मिथेनॉल मिलेगा नेचुरली ऑक्सीडाइज हो रहा है ये लेकिन कंट्रोल कंडीशन में है कंबशन नहीं है ये तो मिथेनॉल मिला फिर आपने परिस्थितियाँ बदल दी और आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई मीथेन की ही रिएक्शन है लेकिन मोलिबिडेनियम ऑक्साइड के साथ हीट किया है इसको तो आपको मिथेनॉल मिल गया है ना और ज्यादा ऑक्सीडेशन हो गया उसका और ये आपने इथेन लिए उसका ऑक्सीजन कराया है किसकी प्रेजेंस में मैग्नीज एसिटेट की प्रेजेंस में तो आपको एसिटिक एसिड एसेट मिल गया इथेनॉइक एसिड मतलब फर्दर और अच्छे से ऑक्सीडेशन हुआ है ना ये प्राइमरी प्रोडक्ट है जैसे जैसे आप परिस्थितियाँ बदलते जा रहे हो आपको ऑक्सीजन के प्रोडक्ट भी बदलते जा रहे हैं ऑर्डिनरली ज़्यादा ऐसे वैसे जनरली तो क्या ही ऑक्सीजन का रजिस्ट करती हैं ये एल्केन्स लेकिन जिसमें भी टर्शरी है हाइड्रोजन एटम उसको ऑक्सीडाइज किया जा सकता है करस्पॉन्डिंग एल्कोहल में कैसे बाय द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम पर मैगनेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना पोटेशियम पर मैगनेट ऑक्सीडाइज कर देता है सब्सटेंसेस को तो मिथाइल टू मिथाइल प्रोपेन जिसमें टर्शरी का कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन था तो उस, उसको इसे रिप्लेस कर दिया और देखो ये टू मिथाइल प्रोपेन टू ओल से कर, में कन्वर्ट हो गया देखो कंट्रोल ऑक्सटेशन फिर यह आइसोमराइजेशन रिएक्शन एन एल्किन्स ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एन हाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस आइसोमराइज टू ब्रांच चेन एल्केस है ना लॉन्ग चेन जो है नॉर्मल एल्केस हैं वो आइसोमराइज होके एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में आइसोमराइज ये देखो ब्रांच्ड कंपाउंडस बन गए टू मिथैल पेंटेन और थ्री मिथैल पेंटेन का आपको मिक्सचर मिल गया क्या लिया था आपने नॉर्मल हैक्जेन ठीक है तो ये आइसोमराइजेशन रिएक्शन है किसकी प्रेजेंस में हो रहा है एनहाइड्रस ए एल सी एल थ्री और एस सी एल की प्रेजेंस में फिफ्थ रिएक्शन है एरोमेटाइजेशन एरोमेटाइजेशन में क्या होगा सिक्स और मोर कार्बन एटम की चेन से इतना सेवन सेवेंटी थ्री कैलवीन और टेन से ट्वेंटी एटमोसफेरिक प्रेशर पे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ वेनेडियम मॉलिवडेनम और क्रोपियम सपोर्टेड ओवर एल्यूमिना गेट्स डीहाइड्रोजिनेशन एंड साइक्लाइज्ड टू बेंजीन एंड इट्स होमोलोग्स दिस रिएक्शन इज नोन एज रिफॉर्मिंग या एरोमेटाइजेशन देखो छः चेन छः कार्बन एटम की चेन है एल्केन की ऑक्साइड्स की प्रेजेंस में और एस सी से टेम्परेचर और प्रेशर पे इन्होंने साइकिल्स स्ट्रक्चर बना ली बेंजीन की पहले तो जुड़ गए सब साइकिल में और फिर उसके बाद डिहाइड्रोजनेशन हो गया हाइड्रोजन नहीं चेन है इतने सी सिक्स एस सिक्स चाहिए हमें तो अच्छा टॉलोइन के लिए बोल रहा है कि क्या करोगे आप टोराइन टॉलुन होता है मिथाइल डायरेटिव ऑफ बेंजीन मतलब इस बेंजीन रिंग पे एक सी एस ट्री रुप लगा दो तो टॉलुइन बन जाता है इसके लिए आप पेरेंट एल्केन कौन सा लोगे तो नेचुरली छः सात कार्बन है तो हमें हैप्टेन लेना पड़ेगा है ना हैप्टेन से हमको टॉलुइन मिल जाएगी मिथाइल बेंजीन रिएक्शन विद स्टीम जब ये स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं तो आपको निकल की प्रेजेंस में हीट करोगे तो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन uh, गैस का मिक्सचर मिलता है और ये हाइड्रोजन गैस बनाने की इंडस्ट्रियल मेथड है आपकी इंडस्ट्री है और आपको हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर करनी है अपनी इंडस्ट्री में तो आप मिल्क एल्केन और की स्टीम के ऊपर रिएक्शन कराओगे निकल आपको चाहिए होगा कैटलिस्ट के फॉर्म में आपको मिल जाएगी हाइड्रोजन गैस लास्ट लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है पायरोलाइसिस पायरोलाइसिस में हायर एल्केन्स जो है हीटिंग करने पर हायर टेम्परेचर पर डिकम्पोज हो जाते हैं लोअर एल्केन्स में और एल्कीस में है ना सारे तो एल्किन्स भी नहीं बन सकते ना एक हाइड्रोजन एक के पास तो हाइड्रोजन कम पड़ेगा एक तो वो एल्कीन में कन्वर्ट होगा बीच में से बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा ना आपको सच अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन टू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट इज कॉल्ड पैरोलाइसिस ऑफ क्रैकिंग देखो सी सिक्स एच फोर्टीन था सेवन सेवनटी थ्री के पे ये टूटा है हाइड्रोजन और सी सिक्स एच ट्वेल्व ऐसे भी हो सकता है ब्रेक सेकेंड वाला की तरह भी ब्रेक हो सकता है फिर थर्ड वाले की तरह भी ब्रेक हो सकता है कई तरीकों से ये छोटे मॉलिक्यूल्स में क्रैक हो सकता है पायरोलासिस ऑफ एल्केन इज़ बिलीव टू बी अ फ्री रेडिकल रिएक्शन प्रिपरेशन ऑफ ऑयल गैस फ्रॉम पेट्रोल गैस और पेट्रोल गैस फ्रॉम कैरोसिन ऑयल और पेट्रोल इन्वॉल्व द प्रिंसिपल ऑफ पायरोलाइसिस ठीक है कैरोसिन ऑयल को भी अगर या पेट्रोल को आप ऐसे हाई टेपरेचर पर हीट करोगे तो वो स्मॉलर कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाते हैं फॉर एग्जाम्पल डू डेकेन ये डू डेक कॉन्सिटूंट है किसका कैरोसिन ऑयल का ऑन हीटिंग टू नाइन सेवेंटी थ्री कैलविन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम पैलेडियम और निकल गिवज अ मिक्सचर ऑफ हैप्टीन एंड पेंटीन ये देखो डू डेक जो है वो इनकी प्रेजेंस में टूट uh, गया दो कंपोनेंट में स्मॉलर एलकेंस में तो दिस वॉज ऑल अबाउट द रिएक्शंस ऑफ एल्केस